Hi guys, good morning. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called number system. Number system में भी मैं surds, underroot वाले पहले करा रहा हूँ, मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ. तो पहले underroot वालों पे ध्यान देते हैं. और underroot वाले मैंने ये देख लो NCRT की exemplar उठा ली है. NCRT की exemplar के आगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है. NCRT की exemplar almost covers it all. एक वहां पतली सी किताब पड़ी है, वो भी मिल जाएगी, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे. अब उससे पहले मैंने आपको जाने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई होप आपसे वो हो गए हों. अगर नहीं हुए तो वो क्वेश्चंस और उसके टाइप के क्वेश्चंस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा. रैशनलाइजेशन को लेकर डरना मत, ये चार नंबर होते ही होते हैं, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये आगे भी आएगा. जैसे कि यहां पर एक क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग में एक पार्ट है अंडर रूट 45 माइनस 3 अंडर रूट 20 प्लस 4 अंडर रूट 5. दिस इज वन पार्ट. एक और पार्ट है अंडर रूट 24 बाय 8 प्लस अंडर रूट 54 बाय 9. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे आधे मिनट के लिए पॉज करो, एक मिनट के लिए पॉज करो, इन्हें ट्राई करो, ट्राई जरूर करो. यही फर्क होता है लाइव क्लास और उसमें. लाइव क्लास में टीचर टाइम देता है, आपके हिसाब से नहीं देते, वो अपने हिसाब से देते हैं. यहां आप अपने हिसाब से मुझे पॉज कर लो, पॉज मी जैसे आप चाहते हो वैसे पॉज कर लो, सो दैट आपको ये क्वेश्चन करने का उतना टाइम मिल सके जितनी आपकी नीड है. तो अगर आपने मुझे पॉज कर लिया था और देख रहे हो, तो मैं इसको, ये प्योर सर्ड है, इसको मिक्स सर्ड में कन्वर्ट करूंगा. 45 के फैक्टर्स बनाऊंगा, 3 के टेबल में 15 जा, 3 के टेबल में 5 जा, अंडर रूट में 3 × 3 × 5 माइनस 3 अंडर रूट 20 के, 2 जा 4 5 जा प्लस 4 अंडर रूट 5, ये 4 है. यहां पर पेयर बनेगा, यहां पर भी पेयर बनेगा क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है. यहां पर आ गया 3 अंडर रूट 5 माइनस 3 इंटू 2 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ जाएगा. 3 अंडर रूट 5 माइनस 6 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5. मेरी क्लास टेंशन नहीं लेगी. अच्छी बात यह है कि सारे कौन है अंडर रूट 5, सारे के सारे कौन है अंडर रूट 5. तो अब क्लास बोलेगी 3 अंडर रूट 5 और 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा 7 अंडर रूट 5. 3 के लिए प्लस 4 के लिए इज इक्वल टू 7 के लिए माइनस 6 अंडर रूट 5. 7 केलों में से 6 केले चले जाएंगे, बचेगा क्या अंडर रूट 5. योर फाइनल आंसर इज अंडर रूट 5. जी हां, योर फाइनल आंसर इज अंडर रूट 5, इसकी सिंप्लीफिकेशन. अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे फिर पॉज कर दो, मुझे फिर पॉज कर दो और अगला क्वेश्चन, इसका जो अगला क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करो. अगर पॉज करके देख रहे हो तो अंडर रूट 24 के पहले मैंने फैक्टर्स बनाए, 2 × 4 × 8 3 जा 24 अपॉन 8 प्लस 54 के होते हैं 3 जा 9 3 जा 27 इंटू 2 जा 54 अंडर रूट के अंदर अपॉन 9. अगर क्लास साथ है तो अभी भी मुझे पॉज कर लो, जहां लगे, जहां लगे आपने कैच कर लिया है पॉज कर लो. यहां 2 का पेयर बनेगा, एक 2 बाहर अंडर रूट में 2 × 3 जा 6 अपॉन 8. जय माता दी. यहां पर 3 का पेयर बनेगा, 3 बाहर अंडर रूट में 6 अपॉन 9. अगर साथ हो तो 2 × 1 = 2 × 4 = 3 × 1 = 3 × 3 = अगर क्लास देख रही है तो अंडर रूट 6 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट 6 अपॉन 3, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 12. यह आ जाएगा 3 अंडर रूट 6, ये 3 ऊपर प्लस 4 अंडर रूट 6. 3 अंडर रूट 6 और 4 अंडर रूट 6 हो जाएगा 7 अंडर रूट 6 अपॉन 12. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दैट सिंप्लीफिकेशन, अगर क्लास हमारे साथ है तो. दिस वॉज सिंप्लीफिकेशन. इसके बाद अगर मैं आगे चलता हूं तो मेरे पास थर्ड पार्ट आता है, 4th रूट ऑफ 12 को मल्टीप्लाई करो 7th रूट ऑफ 6 से, ये थर्ड पार्ट है. फोर्थ पार्ट आता है 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 27 प्लस 7 बाय रूट 3. ये दो पार्ट्स हैं,
बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, पॉज करो ट्राई करो, पॉज करो ट्राई करो। इन भाई साहब का ऑर्डर है 4, इन भाई साहब का ऑर्डर है 7, ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे जब तक इनका ऑर्डर सेम ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एल सी एम ऑफ 4 एंड 7 इज 28। जी हाँ, 4 और 7 का एलसीएम होता है 28, फोर्थ रूट ऑफ 12 है इंटू सेवंथ रूट ऑफ 6 है, दोनों का एलसीएम 28 आया है, तो 4 7 जा होता है, अंदर वाले की पावर हो जाएगी 7, 7 4 जा होता है तो अंदर वाले की पावर हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 28th रूट ऑफ 12 की पावर 7 इंटू 28th रूट ऑफ 6 की पावर 4। अगर क्लास 7 है, अब दोनों का ऑर्डर सेम है, 28th रूट ऑफ 12 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 4, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। अगर इसको थोड़ा सा और आगे करने का मन है तो, थोड़ा सा और आगे करने का मन है तो 28th रूट ऑफ 12 होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 7, और 6 होता है, ये जो होता है ये होता क्या है 3 इंटू 2 की पावर 4। अगर क्लास 7 है, 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12, क्लास अगर देखे तो 28th रूट ऑफ 2 इंटू 2 होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, 28th रूट ऑफ 2 स्क्वायर की पावर 2 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, 28th रूट ऑफ 2 की पावर 14 प्लस 4 इज 18, कोई फायदा नहीं, कुछ भार नहीं आया, और 3 की पावर 7 और 4 11, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में। 2 की पावर 18 ना कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना करना, ना वो आपसे कभी पूछेंगे। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, अभी भी बोलूंगा कि मुझे पॉज कर लो और सेकंड क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, अगर ट्राई करोगे तो खुद को अच्छा लगेगा। तो जब आपने ट्राई किया, आपने कहा ओके, आपने कहा इसको मिक्स्ड में करेंगे, इसको देख के आपके मन में आना चाहिए छी छी ये इसकी फॉर्म सही नहीं है, इसने सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा, मतलब अंडररूट कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, अंडररूट कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए मींस 3√3 इज एब्सोल्युटली फाइन, 2√27 हो जाएगा, 3 × 3 × 3 3 × 3 = 9 × 3 = 27 प्लस 7 अपॉन रूट 3 जो है, क्योंकि अपॉन में रूट 3 है तो ऊपर भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्लास 7 है तो 3√3 प्लस 2 इंटू बाहर आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 3। उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो प्लस 7√3 अपॉन 3, क्योंकि √3 × √3 होता है 3, हमारी एक टेंशन खत्म हो गई कि हमने रैशनलाइज कर लिया। अब अगर क्लास मेरे साथ है तो क्लास देखेगी 3√3 प्लस 6√3 प्लस 7/3√3। एक चीज़ अच्छी है कि सबके साथ रूट 3 लगा हुआ है, क्योंकि सबके साथ रूट 3 लगा हुआ है, मैंने रूट 3 कॉमन ही ले लिया, रूट 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, 3 प्लस 6 प्लस 7/3। इफ द क्लास इज विद मी, रूट 3 बाहर है, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 3 × 3 = 9 प्लस 6 × 3 = 18 प्लस 7, 18 और 9 होता है 27, 27 और 7 होता है 34, 34/3√3। अगर आपका ये आंसर खुद से आया है तो बिलीव मी दैट यू आर डूइंग इट वेल, आपकी फॉर्म आपकी पोजीशन बिल्कुल सही है, आप अच्छा कर रहे हो। ये करने के बाद एक क्वेश्चन आता है, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन आता है 4√81 माइनस 8√216 प्लस 15 5√32 प्लस अंडररूट में 225। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, तो प्लीज इसको खुद से करना,
ये मैं करा चुका हूं, इसको देखा तो आपके माइंड में ज्यादा टेंशन नहीं आनी चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए जय माता दी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दैट इज रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर माइनस टू इंटू रूट थ्री इंटू रूट टू। अगर क्लास सात है तो रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री, रूट टू का स्क्वायर होता है टू, माइनस टू दोनों का ऑर्डर सेम है, हमें कोई टेंशन नहीं है, अंडर रूट में हो जाएगा थ्री इंटू टू। इफ द क्लास इज विद मी थ्री प्लस टू इज फाइव माइनस टू रूट सिक्स, ये आ गया रूट थ्री माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। वैसे जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप इन वैल्यूज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा ध्यान में रखना, आगे काम आएंगी। ये थोड़ी दूर की सोच बता रहा हूं, ये आप लोग खुद करोगे क्योंकि मैं ये करवा चुका हूं। अब एक क्वेश्चन जो सिंप्लीफाई वाले में बचा है, जो मुझे लगता है मुझे कराना चाहिए, थ्री अपॉन अंडर रूट एट प्लस वन अपॉन अंडर रूट टू। इन दोनों को देखा तो दोनों के नीचे अंडर रूट था, दोनों के नीचे अंडर रूट था, एक के नीचे अंडर रूट दे था, दोनों के नीचे अंडर रूट था, बट स्टिल जल्दबाजी मत करना। थ्री अपॉन रैशनलाइज करने से पहले अंडर रूट एट को लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू प्लस वन अपॉन रूट टू, जिसे रैशनलाइज करना है एक स्टेप रोक लिया, थ्री अपॉन पेयर बनेगा, क्या बाहर आ गया टू, अंडर रूट में बचा टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू। करते ही अब क्लास क्या बोलेगी, रैशनलाइज करो ऊपर भी रूट टू से, नीचे भी रूट टू से, ऊपर भी रूट टू से और नीचे भी रूट टू से। इफ द क्लास इज विद मी थ्री रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू होता है टू, रूट टू इंटू रूट टू होता है टू, इंटू टू होता है फोर प्लस रूट टू वन जा रूट टू और रूट टू इंटू रूट टू होता है बेटा टू। अगर क्लास सात है यहां पर भी रूट टू है, यहां पर भी रूट टू है, टेंशन मत लेना, रूट टू कॉमन आ गया, अंदर बचा थ्री बाय फोर प्लस वन बाय टू, योर एलसीएम इज रूट टू, बाहर आ गया एलसीएम टू और फोर का एलसीएम होता है फोर, थ्री प्लस टू टू जा टू, ये आ गया फाइव बाय फोर रूट टू, फाइव बाय फोर रूट टू इज द फाइनल आंसर। ये थे वार्म अप के सिंपल क्वेश्चंस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो जाता है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन हो जाता है देन इट्स गुड, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता तो बस एक रूल याद रख लो, यू हैव टू डू दिस दैट क्वेश्चन थ्री टाइम्स। एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर लो, एक वो वाला रजिस्टर जो ये बताए कि क्वेश्चन एक बार जो हो गया हो गया, एक नॉर्मल रजिस्टर जहां फंसे, इजी से इजी क्वेश्चन अगर नहीं हुआ है तो बस एक पैक्ट बना लो वो तीन बार करोगे। मैथ्स में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगी, ये बात याद रख लेना बिल्कुल रिलैक्स होकर। अगर हम साथ हैं तो हम बोलेंगे अगला क्वेश्चन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, जैसे कि एक दे रखा है टू अपॉन थ्री रूट थ्री, पॉज मी डू इट, दूसरा दे रखा है अंडर रूट फोर्टी अपॉन रूट थ्री, तीसरा दे रखा है थ्री प्लस रूट टू अपॉन फोर रूट टू। एनसीईआरटी सच अ ब्यूटिफुल बुक कि आपको इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि यहां पर रूट थ्री है तो ऊपर भी रूट थ्री से करेंगे और नीचे भी रूट थ्री से करेंगे। क्लास अगर साथ है तो टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री इज थ्री इंटू थ्री, अगर क्लास देख रही है तो टू रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, थ्री इंटू थ्री इज नाइन, दिस इज द फाइनल आंसर। व्हाट अ ब्यूटिफुल आंसर वी हैव गॉट, हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया। ये करने के बाद अगर क्लास सात है तो रूट फोर्टी, रूट फोर्टी के थोड़े से फैक्टर्स बना लो, टू इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, इंटू फाइव फोर्टी अपॉन
रूट थ्री, बाहर आ जाएगा टू अंडर रूट फाइव टू ज़ा टेन अपॉन रूट थ्री, क्योंकि नीचे रूट थ्री है तो ऊपर भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दोगे। बिल्कुल रिलैक्स होकर अगर क्लास सात है तो टू अंडर रूट में टेन इंटू थ्री अपॉन रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री, टू अंडर रूट थर्टी अपॉन थ्री, ये आपका फाइनल आंसर है अगर क्लास सात है तो। इसको आगे फर्दर नहीं किया जा सकता, चाहो तो मुझे पॉज कर लो। अगला क्वेश्चन क्या था, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? ये तो कट ही रहा था, अगर ये क्वेश्चन होता तो रूट टू से रूट टू कट जाता, आंसर हो जाता थ्री बाय फोर। ये मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, थ्री प्लस रूट टू अपॉन फोर रूट टू। माता रानी का नाम लो और खुद से करो, चाहो तो मुझे पॉज कर दो एक मिनट के लिए, पॉज मी एंड डू इट योर सेल्फ। तो बच्चे ने कहा सर क्योंकि नीचे रूट टू है तो ऊपर भी रूट टू से करेंगे और नीचे भी रूट टू से करेंगे। अब ये रूट टू इससे होगा तो थ्री रूट टू प्लस ये रूट टू इससे भी होगा, रूट टू इंटू रूट टू अपॉन ये रूट टू इससे भी होगा फोर इंटू रूट टू इंटू रूट टू। इफ द क्लास इज विद मी, थ्री रूट टू प्लस रूट टू इंटू रूट टू इज टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू इज टू इंटू, क्लास अगर सात है तो फोर, तो क्लास क्या बोलेगी, थ्री रूट टू प्लस टू होल डिवाइडेड बाय एट। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपको आना चाहिए ही चाहिए, इसके बिना भैया काम नहीं चलेगा। छोटी मोटी टिप जो देता हूँ उसको ध्यान से देख लिया करो, वो काम आने वाली चीज़ होती है, बाकी आप लोग समझदार हो। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है 16 अपॉन अंडर रूट 41 माइनस 5। उससे अगला जो दे रखा है जो कि इम्पॉर्टेंट है आता है 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उससे अगला जो दे रखा है वो रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3, रूट 6 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। तो अगर चाहो तो मुझे पॉज कर सकते हो, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चंस मैंने आप लोग को कराए हैं, क्योंकि अंडर रूट 41 माइनस 5 है, अंडर रूट 41 माइनस 5 है तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 41 प्लस 5 और इसे करूंगा अंडर रूट 41 प्लस 5, क्योंकि यहाँ a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी से, ताकि फॉर्मूला लग जाए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाहर तो 16 बाहर ही वेट कर रहा है, अंडर रूट 41 प्लस 5 सीधा सीधा 5 शरीफों वाला 5 अपॉन अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, 16 बाहर अंडर रूट 41 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 41 का होल स्क्वायर होता है 41 माइनस 5। अगर क्लास 7 है 16 बाहर है, अंडर रूट 41 प्लस 5 अपॉन 41 में से 5 जाएगा, बचेगा क्या 36। बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि ये 16 बाहर है और ये 36 है, 4 के टेबल में 4 जा, 4 के टेबल में 9 जा, योर फाइनल आंसर इज अंडर रूट 41 प्लस 5 अपॉन 9 और बाहर है 4। अगर चाहो तो अंदर जाके इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, अगर चाहो तो। ये अगला क्वेश्चन, ये ध्यान से देख लो, आराम से मुझे पॉज कर लो, अगर खुद से कर लोगे तो अच्छा लगेगा। 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 है, क्योंकि 2 माइनस रूट 3 है तो ऊपर भी हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 और ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। जो साइन नीचे हो उससे उल्टा करते हैं, अगर क्लास देख रही है तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो नीचे तो हो गया जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्लास जानती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर याद नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बिल्कुल रिलैक्स होकर, 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 3, 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट 3
अपॉन 1, 4 प्लस 3 इज 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हुई है तो एक इसकी बहन वाला क्वेश्चन भी है, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, इसका आंसर आ जाएगा अगर मैं सही बोल रहा हूँ 7 माइनस 4 रूट 3। अगर आपसे ये नहीं हुआ है तो आप एक ये वाला खुद से ट्राई कर लेना, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस आ जाएगा, नीचे का सिस्टम वही सेम रहेगा। इफ द क्लास इज विद मी, ये करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आता है अंडर रूट 6, थोड़ी सी जगह की कमी है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा। ध्यान से, अंडर रूट 6 क्या क्वेश्चन है, अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। बच्चा फटाक से बोलेगा सर रैशनलाइज कर देंगे रूट 2 माइनस रूट 3। सर आप बोर कर रहे हो, आप सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार करा रहे हो। नहीं, सेम टाइप का होता तो मैं कराता ही नहीं, ये भी बता दूं, अगर ये सेम टाइप का होता तो मैं कराता ही नहीं। यहां पर रूट 2 प्लस रूट 3 दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है तो रूट 3 बड़ा है। तो एक टिप दे रहा हूं आपको, हो सके तो डिनोमिनेटर में पहली टर्म बड़ी लिखो। कहने का मतलब क्या है कि इसको रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 लिख दो, रूट 3 बड़ा है, बड़े को पहले लिखो, बस ये याद रख लेना। बड़े को पहले लिखोगे तो नीचे नेगेटिव नहीं आएगा। अब क्योंकि रूट 3 प्लस रूट 2 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, रूट 3 माइनस रूट 2, 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 रूट 6 मल्टीप्लाई होगा रूट 3 माइनस रूट 2 से, नीचे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अगर क्लास साथ है तो रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2। इफ द क्लास इज विद मी, क्लास बोलेगी रूट में 6 इंटू 3 माइनस रूट में 6 इंटू 2 अपॉन 1, 6 के फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 6 के फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 2 इंटू एक और 2। अगर क्लास नीचे 1 की तो कोई जरूरत है ही नहीं, क्लास बोलेगी सर यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो यहाँ 3 बाहर 3 रूट 2 माइनस यहाँ 2 का बन रहा है माइनस 2 रूट 3। ये आपका फाइनल आंसर आया है, ये कटेंगे नहीं, एक के अंडर रूट में रूट है, एक के अंडर रूट में 3 है। अगर ये आम है तो ये केला है, 3 आम माइनस 2 केले, 3 आम माइनस 2 केले कुछ नहीं होता, 3 आम माइनस 2 केले ही होता है। आराम से मुझे पॉज कर लो और इसको खुद से कर लो, अगर नहीं हुआ है तो खुद से करना, टेंशन मत लेना, बिल्कुल रिलैक्स होके चलना, पक्का। इसके बाद एक और रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आता है, 3 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3। बिल्कुल आराम से, चाहो तो मुझे पॉज कर लो और थोड़ा बहुत खुद से आगे आगे करो, खुद से करो, खुद से करोगे तो अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत अच्छे हो। तो बच्चे ने बोला 3 रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3 है, क्योंकि रूट 5 माइनस रूट 3 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 5 प्लस रूट 3। लेक्चर कोई मिस मत करना, हर लेक्चर को साथ साथ लेके चलना। नीचे की तो टेंशन खत्म हो गई, a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे तो आ गया रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये तो नीचे आ गया। अब ये जो ऊपर है बाहर, ये रूट 5, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा रिलैक्स करके, रूट 5 मल्टीप्लाई होगा 3 रूट 5 प्लस रूट 3 से, फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन यहाँ लगाओगे, प्लस ये रूट 3, ये रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 3 रूट 5 प्लस रूट 3 से। मुझे पॉज कर लो और यहाँ तक का स्टेप पहले खुद से लिख लो, पहले यहाँ तक का स्टेप खुद से लिखो तब आगे चलेंगे। अब क्लास बोलेगी बाहर रूट 5 है 3, अगर क्लास साथ है तो रूट 5 इंटू बाहर वाला रूट 5 प्लस
रूट फाइव इंटू रूट थ्री प्लस थ्री बाहर है थ्री रूट फाइव इंटू रूट थ्री प्लस प्लस इंटू प्लस इज प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री होल डिवाइडेड बाय रूट फाइव का स्क्वायर होता है फाइव माइनस रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री रूट फाइव इंटू रूट फाइव बिल्कुल आराम से थ्री इंटू फाइव रूट फाइव इंटू रूट फाइव होता है फाइव प्लस रूट फाइव इंटू रूट थ्री होता है रूट फिफ्टीन प्लस ये थ्री बाहर है रूट फाइव इंटू रूट थ्री होता है रूट फिफ्टीन प्लस रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री होल डिवाइडेड बाय टू बिल्कुल आराम से देख लो थोड़ा सा दम लगाने की जरूरत है फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस अलग से है थ्री अपॉन टू प्लस रूट फिफ्टीन और थ्री रूट फिफ्टीन जब कभी भी डर लगे जब कभी भी परेशानी हो तो रूट फिफ्टीन को नाम दे दो शाहरुख खान तो शाहरुख खान प्लस तीन शाहरुख खान इज इक्वल्स टू फोर शाहरुख खान फोर रूट फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस थ्री बराबर हो जाएगा एटीन प्लस फोर रूट फिफ्टीन अपॉन टू अब जरा ध्यान से देखना ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है जी हां टू कॉमन आ रहा है अंदर बचेगा नाइन प्लस टू रूट फिफ्टीन अपॉन अपॉन में क्या है टू ये टू से ये टू कैंसिल आपका फाइनल आंसर आ गया नाइन प्लस टू रूट फिफ्टीन नाइन प्लस टू रूट फिफ्टीन मैं जानता हूं जो बच्चा पहली बार इसको करेगा उसका एक बारी में यहां तक आंसर आना मुश्किल होगा दो बार करो तीन बार करो फ्रस्ट्रेट हो जाओ गुस्सा आ जाए इतनी बार करो मगर जब तक इसका आंसर कंफर्टेबली ना निकाल पाओ प्लीज मेरे बच्चों आगे मत बढ़ना लाइफ में एक बात याद रख लेना अगर नींव कमजोर है तो वो बिल्डिंग आज नहीं तो कल गिरेगी ही गिरेगी और अगर नींव मजबूत है अगर आपके पास पैसा कम है फिर भी आप बेस स्ट्रांग बनाओ बिल्डिंग का बिल्डिंग में एक ही फ्लोर बना पाए हमारा बेस स्ट्रांग है बट एक ही फ्लोर है एक बंदे का बेस वीक है उसने तीन फ्लोर बना लिए जिस दिन भूकंप आया ना तो वो तीनों के तीनों फ्लोर गिर जाएंगे आप वैसे के वैसे ही रहोगे क्योंकि आपकी नींव मजबूत है इफ योर बेसिक्स आर क्लियर लाइफ में कोई तुम्हें धोखा नहीं दे सकता ये मैं नहीं ये मुझे जिन्होंने पढ़ाया है उन्होंने मुझे सिखाया है तो अपने बेस को जरा स्ट्रांग करते हुए चलो अगर ये क्वेश्चन खुद से आया है तो ही अगला क्वेश्चन खुद करना नहीं तो बड़ी दिक्कत है दिस क्वेश्चन इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन फोर रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू अपॉन रूट फोर्टी एट प्लस रूट एटीन माता रानी का नाम लो और इस क्वेश्चन को मुझे पॉज करके खुद से करो ट्राई करो कि तुमसे ये क्वेश्चन हो जाए प्लीज ध्यान से देखना दिस क्वेश्चन मस्ट बी डन बाय यू फोर रूट थ्री में कुछ नहीं हो सकता फाइव रूट टू में कुछ नहीं हो सकता बड़ा पहले है छोटा बाद में है अंडर रूट 48 में बहुत कुछ हो सकता है अंडर रूट 18 में बहुत कुछ हो सकता है अंडर रूट 48 में हो सकता है टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट टू ज़ा 16 थ्री ज़ा 48 18 में हो सकता है थ्री थ्री ज़ा 9 टू ज़ा 18 अगर क्लास सात है तो फोर रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू अपॉन ये टू का एक पेयर टू का दूसरा पेयर एक टू बाहर एक और टू बाहर अंदर बचा रूट थ्री प्लस यहां पे तीन का पेयर बाहर तीन बाहर रूट टू पहले इस स्टेप को ध्यान से देख लो क्या है फोर रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू अपॉन टू टू जा फोर रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू पहले यहां तक आने के लिए आपको गोल्ड मेडल मिलेगा कि अगर आप यहां तक पहुंच पाए हो तो पहले यहां तक पहुंचो जब आप यहां तक पहुंच जाते हो तो फोर रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू अपॉन फोर रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू को रैशनलाइज करना है इसको रैशनलाइज करना है बिल्कुल आराम से कुछ भी हो टेंशन नहीं फोर रूट थ्री प्लस थ्री रूट टू है तो ऊपर नीचे कर देंगे फोर रूट थ्री माइनस थ्री रूट टू
फोर रूट थ्री माइनस थ्री रूट टू, थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना है, थोड़ा सा केयरफुल होकर चलना है, ज्यादा नहीं। ये फोर रूट थ्री, ये फोर रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा किससे, किससे, इन पूरे खानदान से, फोर रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू से। फिर ये माइनस का साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस थ्री रूट टू मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे, फोर रूट थ्री प्लस फाइव रूट टू से, होल डिवाइडेड बाय, नीचे तो अपना एक मस्त फॉर्मूला चल ही रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, फोर रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर, माइनस थ्री रूट टू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फिर मुझे पॉज कर लो, एक भी प्लस माइनस की गलती हुई वी आर आउट ऑफ द गेम, गेम से बाहर हो जाएंगे अगर हमसे प्लस माइनस की गलती हुई तो। अब देखो मैं बच्चों वाले तरीके से करूंगा, ये फोर रूट थ्री इंटू फोर रूट थ्री प्लस फोर रूट थ्री इंटू फाइव रूट टू माइनस थ्री रूट टू इंटू फोर रूट थ्री माइनस इंटू प्लस इज माइनस थ्री रूट टू इंटू फाइव रूट टू। बिल्कुल आराम से, साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नीचे फोर का स्क्वायर इज 16 इंटू रूट थ्री का स्क्वायर इज 3, रूट थ्री का स्क्वायर इज 3 माइनस थ्री का स्क्वायर इज 9, रूट टू का स्क्वायर इज 2। जय माता दी। बिल्कुल रिलैक्स होकर, फोर फोर जा 16 इंटू रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3 प्लस फोर फाइव जा 20, रूट थ्री इंटू रूट टू इज रूट 6। कीप इट सिंपल, इसको मुश्किल मत होने दो। माइनस फोर थ्री जा 12, रूट टू इंटू रूट थ्री इज रूट 6। माइनस थ्री फाइव जा 15, रूट टू इंटू रूट टू इज 2, होल डिवाइडेड बाय 48 माइनस 9 टू जा 18। पहले इतने को ध्यान से देख लो, कितना खूबसूरत पेज लग रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं। ये आपके लेवल को बाहुबली वाला लेवल बना देगा अगर ये क्वेश्चन आप खुद से कर पाते हो तो। इसी को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, 16 थ्री जा 48 प्लस 20 रूट 6 माइनस 12 रूट 6। अब ये भी नहीं कि टाइम वेस्ट करें, 20 केले माइनस 12 केले बराबर हो जाएगा 8 केले, रूट 6। 15 टू जा माइनस 30, होल डिवाइडेड बाय 48 में से 18 जाएगा बचेगा 30, 48 में से 30 जाएगा बचेगा 18 प्लस 8 रूट 6 अपॉन 30। अगर क्लास 7 है तो क्लास कहेगी सर 2 कॉमन आ रहा है, बचेगा 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 30, 2 वन जा 2 15 जा 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 15 इज द फाइनल आंसर, इज द फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के और सिंप्लीफिकेशन के। मैंने आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ए और बी निकालने वाले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे और कुछ करवाए भी थे। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर है ए माइनस बी, ए माइनस, यहां तो 6 रूट 3 लिखा हुआ है जबकि बी रूट 3 होना चाहिए था, बुक में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, चलो फिर भी देखते हैं। ए माइनस 6 रूट 3, हम बुक को तो चैलेंज कर नहीं सकते, बुक में यहां पर बी नहीं लिखा हुआ, ए माइनस 6 रूट 3 लिखा हुआ है, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और LHS में है 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3, बिल्कुल आराम से इज इक्वल्स टू ये दे रखा है। तो बोला ए और बी की वैल्यू निकालो, बट जनरली
अच्छा मैं देख भी रहा हूं बाकियों में, एक में ए की निकालनी है, एक में बी की, ये सही है क्वेश्चन। तो मैंने क्या लिया, एल एच एस 5+2√3 अपॉन 7+4√3। अब ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ और हो नहीं सकता, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि 7+4√3 है तो रैशलाइज होगा 7-4√3, रैशलाइज होगा 7-4√3। लापरवाही मत करना, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नुकसान देता है। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। ये जो 7 है ये 7 मल्टीप्लाई होगा 5+2√3 से, ये माइनस, ये बड़ी चीज है, माइनस 4√3 मल्टीप्लाई होगा 5+2√3 से, 5+2√3 से। अगर क्लास 7 है तो 7 5 35 प्लस 7 2 14√3, 5 4 माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 4 5 20√3, फिर है ये माइनस का साइन, माइनस 4√3 इंटू 2√3 होल डिवाइडेड बाय, अगर क्लास 7 है तो 7 का स्क्वायर सीधा सीधा इज 49 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू रूट 3 का स्क्वायर इज 3, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 7 5 35, 14√3 माइनस 20√3, 14 के ले माइनस 20 के ले इज माइनस 6√3, बिल्कुल सही, 4 2 8 माइनस में √3 × √3 इज 3 होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस 16 3 जा 48, तो 35 में से, एक मिनट, 35 माइनस 6√3 माइनस 24 अपॉन 49 में से 48 जाएगा, बचेगा 1, बचा 35 में से जब 24 जाएगा बचेगा 11 माइनस 6√3, ये हमारी आई LHS, हमारी LHS आई 11 माइनस 6√3। हमने क्या करा, इक्वेटिंग LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS को किसके बराबर रखा, RHS, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखा, 11 माइनस 6√3 बराबर आ गया, अगर क्लास 7 है तो A माइनस 6√3, यहां पर भी माइनस 6√3 है, यहां पर भी माइनस 6√3 है, तो क्लास क्या बोलेगी, 11 माइनस 6√3 प्लस 6√3 बराबर ए, ये हो सकता है, 6√3 से 6√3 बाय बाय, ए की वैल्यू इस केस में कितनी आ गई, 11, इसमें बी था ही नहीं तो बी की वैल्यू निकालनी ही नहीं थी, इसमें कंपेरिजन से ज्यादा कैंसिल होकर ही आ गया, चाहते तो कंपेरिजन भी कर सकते थे। दिस वॉज अ नाइस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जिसमें सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, जो दे रखा है कि √2+√3 अपॉन 3√2 − 2√3 इज इक्वल्स टू 2 − b√6, इसमें सिर्फ b की वैल्यू निकलेगी 2 − b√6। चाहो तो मुझे पॉज कर लो, पॉज करो और खुद से एक बार ट्राई करो, आई बिलीव कि आप लोग कर पाओगे, अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं होगा तो दिस इज बिटवीन यू एंड मी, अंदर की बात बाहर नहीं जाएगी, हम लोग आपस में इसको कर लेंगे, ध्यान से कीजिए फटाफट से। तो जब हमने देखा √2+√3 अपॉन 3√2 − 2√3 है, और इसको जब रैशलाइज करेंगे, जब इसको रैशलाइज करेंगे तो हो जाएगा 3√2+2√3, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन था, अपॉन 3√2+2√3, सेम ऊपर नीचे, ये जो 3√2 है ये 3√2 मल्टीप्लाई होगा किस से, ध्यान से देखना, √2+√3 से प्लस ये जो 2√3 है, ये जो 2√3 है ये मल्टीप्लाई होगा किस से, √2+√3 से, नीचे आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, 3√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर, सिंपल सी बात है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिल्कुल रिलैक्स होकर
कैलकुलेशन सही तरीके से करना, 3 बाहर है, इंटू रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू, कोई जल्दबाजी नहीं, प्लस 3 बाहर है, रूट टू इंटू रूट थ्री, प्लस 2 बाहर है, रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट थ्री इंटू रूट टू, प्लस 2 बाहर है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, होल डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, इंटू रूट टू का स्क्वायर होता है 2, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, इंटू रूट थ्री का स्क्वायर होता है 3। बिल्कुल आराम से ये जो रूट थ्री रूट टू वूट टू कर रहा हूं, एक भी गलत हो गया, अगर आपका एक भी गलत हो गया तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, ये याद रख लेना। तो रूट टू इंटू रूट टू इज 3 इंटू टू माइनस, सॉरी प्लस, प्लस 3, रूट टू इंटू रूट थ्री इज 3 रूट 6 प्लस 2, रूट थ्री इंटू रूट टू इज रूट 6 प्लस 2, रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3 होल डिवाइडेड बाय होल टर्म टू बी डिवाइडेड बाय 9 टू जा 18 माइनस 4 थ्री जा 12, 3 टू जा 6 है, 6 3 टू जा 6 है, प्लस 6 प्लस 3 रूट 6 प्लस 2 रूट 6, 3 केले प्लस 2 केले इज 5 रूट 6 अपॉन 18 में से 12 गया बचा 6, अगर क्लास 7 है तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 रूट 6 अपॉन 6। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, क्या कर दें, अलग अलग, तो क्या हो जाएगा 12 बटा 6 प्लस 5 रूट 6, 5 बाय 6 रूट 6, अलग अलग कर दिया। अब 12 बटा 6 क्या होता है, 2, अगर क्लास 7 है तो 2 प्लस 5 बाय 6, 5 बाय 6 रूट 6, कंपेयरिंग विद RHS, 2 प्लस 5 बाय 6 रूट 6 इज इक्वल्स टू RHS, ये है 2 माइनस बी रूट 6, क्लास खुद देख सकती है, ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बाय बाय 5 बाय 6 रूट 6 इज इक्वल्स टू माइनस बी रूट 6, रूट 6 से रूट 6 कट गया, b की वैल्यू आ गई माइनस 5 अपॉन 6, द वैल्यू ऑफ b इज माइनस 5 अपॉन 6, अगर क्लास ये समझ पाई है तो। a और b वालों में, a और b वालों में बेटा ये जो इतना ज्यादा रैशनलाइजेशन करा रहा हूं वो इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम में आता जरूर है। अगला क्वेश्चन इन सबके चाचा जी हैं, ध्यान से देखना क्या है, 7 प्लस रूट 5 अपॉन 7 माइनस रूट 5 माइनस 7 माइनस रूट 5 अपॉन 7 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू a प्लस 7 अपॉन 11 रूट 5 बी, ऐसे करके है, ध्यान से देख लेना, ये जो माइनस होता है ये माइनस डेडली डेंजरस होता है, डेंजरस नहीं होता, डेडली डेंजरस होता है, तो डेंजरस चीजों के आगे प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, मैथ्स में जो प्रोटेक्शन है दैट इज योर ग्राफ, मैंने क्वेश्चन में ही अभी क्वेश्चन कॉपी करने में ही उसे ठीक कर दिया, ये आपको फंसाने के लिए ही आया है, ये भी रैशनलाइज होगा, ये भी रैशनलाइज होगा, सीखना बहुत जरूरी है बट सीखने से ज्यादा समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7 माइनस रूट 5 है, 7 माइनस रूट 5 है, इसको रैशनलाइज करने के लिए 7 प्लस रूट 5 से करेंगे, और यहां 7 प्लस रूट 5 है तो ऊपर नीचे 7 माइनस रूट 5 से करेंगे, बच्चे ने कहा सीधा सीधा एलसीएम ले लो, सीधा सीधा एलसीएम ले लो, दोनों एक दूसरे के रैशनलाइजिंग फैक्टर हैं, जब एलसीएम लिया तो 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 हो गया, 7 माइनस रूट 5 इंटू 7 प्लस रूट 5 हो गया, अब ये 7 प्लस रूट 5 उधर जाएगा, यहां भी 7 प्लस रूट 5 है, यहां भी 7 प्लस रूट 5 है, 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया, 7 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस, अगर क्लास 7 है ये भी 7 माइनस रूट 5 है, ये भी 7 माइनस रूट 5 है, तो a माइनस बी, a माइनस बी 7 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारा LHS, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड,
यहां फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको गलती से बचाएगा आपका ब्रैकेट, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 × 7 × √5 बड़ा ब्रैकेट माइनस a का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस 2 × 7 × √5 अपॉन नीचे a माइनस b a प्लस b, 7 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस √5 का स्क्वायर इज 5 प्लस 7 × 14 √5 माइनस 7 का स्क्वायर इज 49 प्लस √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस 7 × 14 √5 अपॉन 7 का स्क्वायर इज 49 माइनस √5 का स्क्वायर इज 5। एक भी टर्म गलत हुई नहीं, यू आर आउट ऑफ द गेम। तो ये गलती से बचना, ध्यान से 49 प्लस 5 इज 53 प्लस 14 √5। अब ये देखोगे तो 49 प्लस 5 इज 49 प्लस 5 इज बोलो बोलो 53, ये हो जाएगा माइनस 53 और ये माइनस 14 √5 हो जाएगा प्लस 14 √5 होल अपॉन 49 में से 5 जाएगा बचेगा 44। अगर क्लास 7 है तो, अगर क्लास देखे 53 से 53 क्या हो गया बाय बाय, तो बचा गया 14 √5 28 √5 अपॉन 44, 4 11 4 7 ये हो गया 7 √5/11 अकेला। जब हम इसको RHS के बराबर रखते हैं तो a प्लस 7/11 √5b आता है, a प्लस 7/11 √5b आता है, बच्चा कहेगा यहां तो कोई है ही नहीं। अब आप समझो, ये बहुत ध्यान से लंबा क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछे तुम्हारे पास कितनी मर्सिडीज हैं तो वो तुम्हारे को कोई बेइज्जती करने के लिए नहीं पूछ रहा कि कितनी मर्सिडीज हैं, कॉन्फिडेंटली जवाब दो जीरो मर्सिडीज हैं। अब क्योंकि यहां पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहां लिख दिया जीरो। इसके बाद मैंने पीछे भी कराया था, हम बोलते हैं यहां पर कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, एक कंसेप्ट यूज होता है कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, कि अकेला कांस्टेंट ए बराबर आ गया जीरो और 7 √5/11 बराबर आ गया 7/11 √5b, 7/11 √5b, तो √5 से √5 कट गया, 11 से 11 कट गया, 7 से 7 कट गया, b की वैल्यू आ गई बेटा 1, a की वैल्यू आ गई 0 और b की वैल्यू आ गई बेटा 1। वो चीज जो गंदी लग रही थी वो चीज का आंसर देखो कितना सिंपल आया है, हमारी a की वैल्यू भी आ गई, हमारी b की वैल्यू भी आ गई। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आता तो यू हैव गॉट ऑल द पावर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, बैक कर सकते हो। इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 2 + √3 देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस 1/a, फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस 1/a, इफ ए की वैल्यू इज 2 + √3 फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस 1/a। तो मैंने कहा इसको देखकर तो मैंने स्माइल पास करा, ए की वैल्यू 2 + √3 है, 1/a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 + √3। अगर a ही है तो रेसिप्रोकेट कर दिया, इसको देखकर मैंने मुंह बना लिया और कर दिया छी छी, मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो 1/a की वैल्यू को एक्सेप्टेबल कैसे बनाए, अंडर रूट नीचे नहीं चलेगा क्योंकि 2 + √3 नीचे है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा 2 − √3 से 2 − √3 से, 1/a 2 − √3 2 − √3 अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर − √3 का स्क्वायर, 1/a बराबर हो जाएगा 2 − √3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4 − √3 का स्क्वायर इज 3, 1/a की वैल्यू आ जाएगी 2 − √3, 4 − 3 1 होता है, ये हमारी वैल्यू आ गई 1/a की। जी हाँ,
इस क्वेश्चन का जो एफर्ट वाला पार्ट था वो ये था. हर क्वेश्चन में कुछ मेहनत से कुछ करना होता है, तो वो मेहनत वाला पार्ट ये था. अब नाउ वी हैव टू फाइंड ए माइनस वन बाय ए. ए की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3, ब्रैकेट में, ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि ये माइनस जानलेवा है. ए की वैल्यू 1/a की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3. आराम से प्यार से ब्रैकेट को खोलो, 2 प्लस रूट 3 माइनस 2, माइनस इंटू माइनस इज प्लस रूट 3. कोई जा रहा है तो उसे कह दो चला जाए, जाने वाले को मत रोको, ये 2 प्लस में है, ये प्लस 2, ये माइनस में है, बाय बाय. रूट 3 प्लस रूट 3 को जोश में आके गलत मत लिख देना. केला प्लस केला इज 2 केला. तो a माइनस 1/a की वैल्यू आ गई 2√3. आई होप ये क्वेश्चन आपको दिल से समझ आया होगा, क्योंकि समझाने वाले ने दिल से समझाया है. मैं जानता हूँ कि पढ़ाई दिमाग से होती है, बट अगर उसी के अंदर दिल लग जाए, अगर आप अपनी पढ़ाई के अंदर दिल लगा लो, तो आप किसी भी बुलंदी को छू सकते हो. लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे आस पास भी नहीं आएगी. आई कैन गारंटी यू दिस. मैं ये गारंटी नहीं, ये हकीकत बता रहा हूँ. अब थोड़े बहुत, अभी जाओ मत, अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं. थोड़े बहुत एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करो, पहला पार्ट है 1³ + 2³ + 3³³. सेकेंड पार्ट है 1/27 - 2/3. थर्ड पार्ट है 64 - 1/3, ब्रैकेट 64 - 1/3 - 64 - 2/3. ये तीन पार्ट्स हैं. कृपया करके इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करो, ट्राई करो. तुम लोग कर सकते हो. आराम से मुझे पॉज करो और इसे सॉल्व करो. तो इसमें सिंपल है, a³ + b³ + c³ का कोई फॉर्मूला नहीं होता. 1³ होता है 1, 2³ होता है 8 और 3³ होता है 27. सारे की पावर 1/2. मैंने आपको क्यूब्स 12 तक याद करवाए हुए हैं. 27 और 1 28, 28 और 8 36 की पावर 1/2. 36 is 6² / 1/2. ये सही है, कट गया. योर फाइनल आंसर इज अ 6 आउट ऑफ द पार्क. योर फाइनल आंसर इज अ 6 अगर 7 हो तो. सेकंड के लिए मुझे पॉज कर लो और सेकंड पार्ट खुद से करो अगर कर सकते हो तो. तो बच्चे ने कहा 1/27 बराबर होगा 1/3 का होल क्यूब की पावर -2/3. 1/27 को लिख सकता हूँ 1/3 का होल क्यूब. ये से ये बाय बाय. बचा क्या, 1/3 की पावर -2 ने मुझे थोड़ा सा टेंशन में डाल दिया. ये 1/3 है तो ये 3 की पावर 1 है, ये ऊपर जाके हो जाएगा 3 की पावर -1 की पावर -2. तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है, a की पावर m की पावर n बराबर होता है a की पावर mn. तो ये हो जाएगा 3 की पावर -(-)+2. 3² = 9. जी हाँ, 3² = 9. ये बात याद रख लेना. दिस इज डन. मुझे फिर पॉज कर लो और कृपया करके अगले वाला पार्ट खुद से करो. तो अगले वाला पार्ट बहुत आसान से हो सकता है. ये भाई साहब इनसे भी मल्टीप्लाई होंगे और ये भाई साहब इनसे भी मल्टीप्लाई होंगे. तो 64 की पावर, व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ये क्या हो जाएगा, -1/3 + 1/3 - 64 की पावर -1/3 + 2/3. अगर क्लास 7 है तो ये कट जाएगा, 64 की पावर हो जाएगा 0 - 64 की पावर हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 3 - 1 + 2. तो अगर क्लास 7 है, किसी भी चीज़ की पावर जब 0 होती है तो वो 1 होता है, -64 की पावर 1/3. 2 में से 1 जाएगा 1. अब 1 - 64 = 4³ / 1/3. 3 से 3 कट गया, 1 - 4. योर आंसर इज
माइनस थ्री। जी हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है माइनस थ्री, अगर क्लास सात है तो। अगला, अगर मैं देखता हूँ कोई बच तो नहीं गया, एक नॉर्मल तरीके के क्वेश्चन हैं, एक आधा क्वेश्चन और होगा जो शायद मैं, मतलब मैं नहीं चाहता कि चीज़ें आपके ऊपर पत्थर की तरह गिरे, चीज़ों को ढंग से समझो। अब जाने से पहले मैं अपने बच्चों को ये क्वेश्चन दे के जाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना बेटा, ये दे के क्या जाता हूँ कि सिंप्लीफाई अंडर रूट में 5 माइनस 2 रूट 6, एक और पार्ट दे के जाता हूँ अंडर रूट में 5 प्लस 2 रूट 6, एक मैं करूँगा एक आप करोगे, एक मैं करूँगा और एक आप करोगे, और एक और पार्ट अगर क्लास सात है तो के सिंप्लीफाई अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बाहर वाला ए, अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बाहर वाला बी डिवाइडेड बाय अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन अंडरवुड में ए माइनस अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये तीन क्वेश्चंस कर लेते हो तो सर्ड्स में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी कमांड मुझसे तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तीन क्वेश्चंस करो, तीन में से कुछ में मदद कर रहा हूँ मैं अभी आपको, जैसे कि अंडरवुड में 5 माइनस 2 रूट 6 है, ये भाई साहब कौन है, रूट 6, रूट 6 को तोड़ोगे रूट 6 बराबर हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2, रूट 6 का कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ये हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 2। इसको देख के एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा अरे यार 5 को तो हम किसी भी दिन लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2, 5 को लिख देंगे 3 प्लस 2, क्योंकि 3 प्लस 2 क्यों लिखा, क्योंकि 3 कोई आम बंदा नहीं है, 3 की भी इज्जत है, 3 हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 इंटू रूट 2। अब तक जिस बच्चे ने समझना होगा वो मेरी चाल समझ गया होगा कि सर कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर हो जाएगा बड़ा अंडरवुड और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है तो बाहर वाला अंडरवुड हट जाएगा, योर फाइनल आंसर इज रूट 3 माइनस रूट 2, रूट 3 माइनस रूट 2 इज योर फाइनल आंसर। इसकी बहन यहां पर है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, दिस इज टोटली अप टू यू, आप आराम से कर दोगे। अगर आपको इस क्वेश्चन को देखना है तो इसको ध्यान से देखो, अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है, ए माइनस अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडरवुड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी। अगर बच्चा ध्यान से देखे, जिसका विजन अच्छा है वो डिनोमिनेटर को देखकर हंस पड़ेगा, वो डिनोमिनेटर को देखकर हंस पड़ेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, न्यूमरेटर में ये ए बाद में आ रहा है और यहां ए प्लस हो रहा है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, दिस इज अ स्टार स्टेप। एक कॉन्फिडेंट बच्चा बोलेगा ए पहले लिख दिया प्लस, ए पहले लिख दिया प्लस अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस में अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी और अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, दोनों जगह फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम प्लस बी सेम माइनस बी बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस अंडरवुड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन
अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज्जत से देख लो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस इंटू माइनस इज प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक और माइनस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। फाइनल आंसर इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। ये करके इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके दोबारा से जरूर देख लेना, ये करके रैशनलाइजेशन मैंने पूरी दुनिया से आपको खत्म करा दिया है। बस अब दो क्वेश्चंस बचे हैं, टोटल दो क्वेश्चंस बचे हैं जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में यूज होने वाले सारे क्वेश्चंस, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। सिर्फ अंडरवुड वाले दो और रह गए हैं, उन दो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपका अंडरवुड वाला पोर्शन अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगा। रूल एक ही है, अगर क्वेश्चन एक बारी में हो जाता है देन अ थम्स अप, एंड अगर क्वेश्चन एक बारी में नहीं होता, जो क्वेश्चन दोबारा मेरी हेल्प से करते हो उस क्वेश्चन को दो बार नहीं तीन बार करोगे, दैट्स दी ओनली थिंग। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।